हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविताज फ्लेवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट बिस्किट की ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैंने हाइड एंड सीक बिस्किट लिया, आप इसकी जगह कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। अब इस बिस्किट को हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक फाइन पाउडर बना लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको थोड़ा सा छान लेंगे। क्या होगा कि इसमें जो भी मोटे पीस रह गए ना, वो साइड में निकल जाएंगे। तो बस इस तरह से हम इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो जितना भी बारीक पाउडर है वो सब नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारे मोटे पीसेस रह जाएंगे, उन्हें हम साइड में कर देंगे। इस तरह से इसे साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ले रहे हैं चॉकलेट सिरप, ये मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर। आप इसे भी छान सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसे इस तरह से हाथ से तोड़ लें। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दूध और इसका एक डो बना लेंगे कुछ इस तरह से। बस इससे ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, जितना रिक्वायर्ड हो बस उतना ही डालें। शुरू में 2-3 चम्मच ही डालें, अगर 1-2 चम्मच और चाहिए तो डाल सकते हैं। तो इस तरह का डो तैयार कर लें। अब एक बटर पेपर लें और इस डो को उस पर रखें और इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखें और हाथ से थोड़ा सा दबाएँ और आप एक बेलन की मदद से इसकी एक लेयर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने बेलन की मदद से इसके एक लेयर तैयार कर लिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, परफेक्ट। और आप इसे साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम पैन की तरफ। यहाँ हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप हम दूध डालेंगे। जितना मिल्क पाउडर है उतना ही हम दूध लेंगे। गैस को ऑफ रखना है। अभी इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है जब तक कि इसमें लम्स ना ख़त्म हो जाए। इसे मिक्स कीजिए अच्छे से। तो यहाँ हमारे सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बहुत अच्छा गाढ़ा दानेदार मावा बनके तैयार होगा ये। इस तरह से इसे चलाते हुए पकाइए तो ये बहुत अच्छा मावा बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जा रहा है वैसे वैसे गाढ़ा होता जा रहा है। यहाँ पे हमारा मावा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें जिससे कि आप इससे हाथ लगा सकें। फिर आप इसकी एक लेयर इस पर तैयार करेंगे चॉकलेट वाले लेयर के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको भी इसके ऊपर रखिए और हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। फिर से वही बटर पेपर लगाइए और बेलन की मदद से इसकी भी एक लेयर तैयार कर लीजिए इसके ऊपर। यहाँ हमने लेयर तैयार कर ली और जो आसपास में चॉकलेट वाला थोड़ा सा लेयर बचा था उसे हमने कट कर दिया है। तो ये देखिए अब इसका एक रोल बना के तैयार करेंगे। तो हमें बहुत ही जेंटली इसको इस तरह से रोल बनाना है और पेपर की मदद से बनाइएगा। इस तरह से पेपर को फोल्ड करते जाइए स्लोली स्लोली और इसका एक रोल बना लीजिए इस तरह से। तो यहाँ हमने इसका एक रोल बना के तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस रोल को एक फॉइल पेपर में पैक करेंगे और इसे आधा घंटे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ हमने इसको पैकिंग पेपर में रैप कर लिया अच्छे से और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे से 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा रोल बनके तैयार हुआ है। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। ये बन गए हमारे स्विस रोल। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इंस्टेंट डेजर्ट है। आप कभी भी झटपट बना के इसे तैयार
कर सकते हैं। जब कभी भी अचानक से मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप ये डेज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आती है सभी को, बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।